लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कबीर की मजार पर सीएम योगी द्वारा मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार करने पर गरमाई देश की सियासत। उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर की मजार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मजार के खादिम ने टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कबीर दास की 500वीं पुण्यतिथि के मौके पर मगहर आने वाले थे और व्यवस्था का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मगहर पहुंचे थे, जहां पर कबीर के मजार के खादिम ने उन्हें मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने इससे इनकार कर दिया। जब खादिम द्वारा योगी से यह विनती की गई कि कम से कम वे टोपी अपने हाथ में ले लें, योगी ने हाथ में टोपी पकड़ ली। बस इन्हीं तस्वीरों या फोटो को लेकर विरोधी दलों ने योगी पर निशाना साधा। टोपी नहीं पहनने को लेकर मुख्यमंत्री योगी पर सबसे पहला तीखा हमला समाजवादी पार्टी ने किया। पार्टी के नेता सुनील साजन ने कहा कि योगी को दरअसल सारी टोपियां एक जैसी लगती हैं। योगी पाखंड में फंसे हुए हैं, ऐसे में योगी को कबीर धाम नहीं जाना चाहिए था। वहीं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि किसी को जबरदस्ती टोपी नहीं पहनानी चाहिए। विरोधियों को जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि वे खुद मुसलमान हैं, लेकिन टोपी नहीं पहनते, और जो लोग बार बार ऐसे मौकों पर टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के टोपी नहीं पहनने पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महल ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मजार पर योगी को टोपी पहनाने की कोशिश की गई, इस तरीके से किसी को टोपी नहीं पहनाया जाता। लोगों को अपने धर्म का सम्मान करते हुए दूसरे धर्मों का भी स्वागत करना चाहिए। इससे पहले 2011 गुजरात के अहमदाबाद जिले के पिराणा गांव में, जहां पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टोपी पहनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वहां पर मौजूद एक इमाम ने अपने गले में पड़ी हरे रंग की साल ओढ़ा दी और टोपी जेब में रख लिया था। इस मामले को लेकर भी विपक्ष ने मोदी पर निशाना साधा था। हालांकि योगी आदित्यनाथ को टोपी पहनाना गलत था, क्योंकि आदित्यनाथ एक स्वयं धर्मगुरु हैं। नाथ संप्रदाय के मशहूर गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। इसलिए संत कबीर के मजार के खादिम को चाहिए था कि वे योगी आदित्यनाथ को टोपी पहनाने की कोशिश ना करते। जहां तक धर्म और राजनीति की घालमेल का सवाल है, यह तो बहुत समय से चला आ रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की और उसके बाद मुस्लिम लीग ने। दरअसल जब जब राजनीति में धर्म का घालमेल हुआ है, देश पर बहुत बड़ा संकट आया है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि धर्म में राजनीति ना घुसने पाए और राजनीति में धर्म की एंट्री नहीं होनी चाहिए।